ओके नाउ कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन इज हियर. ओके थोड़ा सा प्रीवियस का देख लेते हैं. डॉब्रिनर लॉ ऑफ फ्राइड देखा हमने, ठीक है, और न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन. ठीक, तीनों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स मौजूद थे जिसकी वजह से वो थ्योरीज जो है वो रिजेक्ट होती चली गई. पर ये है कि हर थ्योरी ने दूसरी थ्योरी को सपोर्ट ज़रूर किया. ठीक है, मतलब जैसे लॉ ऑफ प्राइड्स में तीन तीन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पे किया गया फोकस. ठीक है, फिर उसी अरेंजमेंट में जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम तो वैसे भी एक एक साथ ही होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो उन्हीं क्लासिफिकेशंस को बाकी के साइंटिस्ट ने एक्सटेंड किया. ठीक है, न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने एट एट एलिमेंट्स के ग्रुप पे काम किया कि सेवन ग्रुप में सेवन एलिमेंट्स के बाद हर एट ग्रुप एट एलिमेंट जो है वो रिपीट हो जाता है प्रॉपर्टी के लिहाज से. अच्छा, फिर लॉथरमेयर ने भी एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक वॉल्यूम्स को यूज़ करके उन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज तो किया था, पर उसमें भी क्या हुआ कि वो 56 एलिमेंट्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ का फ्लॉ था. ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम नहीं हो पा रही थी जिस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट की थी. सो देयर वॉज एन इश्यू, राइट. अच्छा, अब मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन में भी एटॉमिक मास का ही यूज़ हुआ, जैसे बाकी सब में अभी तक की तीन प्रॉपर्टीज़ में मास का यूज़ हुआ, इसमें भी एटॉमिक मास को ही यूज़ किया गया. बट दिस क्लासिफिकेशन इज़ नियरली क्लोज टू आर मॉडर्न क्लासिफिकेशन. मतलब ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो समझी गई पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए वो मेंडेलीव्स की कॉन्ट्रीब्यूशन थी. ठीक है, पेज नंबर 60. इन मार्च 1869 डिमिट्री मेंडेलीव अ रशियन केमिस्ट अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लेसिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर्टिकली बीनीथ ईच अदर. कह रहे हैं इन्होंने एटॉमिक मास जिस तरह से इंक्रीज हो रहे थे उन्होंने उस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, और जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर उनको दिखाई दे रही थी, सही है, वहाँ पे हर उस एलिमेंट को वो पिछले एलिमेंट के नीचे प्लेस करते चले गए वर्टिकल फॉर्मेट में. वर्टिकल फॉर्मेट कैसा होता है, टॉप टू बॉटम होता है, सही. तो जहाँ उन्होंने देखा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है उन्होंने उस पहले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के नीचे प्लेस कर दिया. बाय डूइंग सो ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद स्लाइट मॉडिफिकेशन रिपीटेड देमसेल्व्स एट इंटरवल्स. वो कह रहे हैं इस अरेंजमेंट के बाद उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक खास टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहे होते हैं. सो ही पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. कह रहे हैं कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फॉर्म में मौजूद होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक वेट्स. एटॉमिक वेट्स की बुनियाद पर उन्होंने ये बात बोली. द पीरियोडिक टेबल पब्लिश बाय मेंडेलीव कंसिस्टेड ऑफ एट वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स ग्रुप 1 to 8 एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड सीरीज. इसमें क्या थे, सीरीज थे और ग्रुप्स थे. नाउअडेज दीज सीरीज आर कॉल्ड पीरियड्स. कह रहे हैं अब हम उन सीरीज़ को पीरियड्स कहते हैं. मतलब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें हम उसको सीरीज़ का नाम नहीं देंगे, उसमें उसको पीरियड्स बोलेंगे. द टेबल इज शोन बिलो. हेयर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडेलीव. और ये देखें ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर था एज कम्पेयर टू आर नॉर्मल पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो बेस मतलब ये कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक जो कम्प्लीशन पे वर्क गया वो मेंडेलीव का गया था. अच्छा, ये देखें यहाँ पर उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं. ये ब्लैंक स्पेसेस उन एलिमेंट्स के लिए थे जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे. जब इन्होंने देखा ना कि भाई प्रॉपर्टीज़ में कुछ गैप आ रहा है, मतलब इतने टाइम के बाद ही कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, जब इन्होंने बाकी के मतलब जो इन्होंने सीरीज फिल किए होंगे, तो फिर उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि नहीं, कुछ स्पेसेस को हमें एम्प्टी रखना चाहिए. स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द अननोन एलिमेंट्स विद एटॉमिक मासेस 44, 68, 72 एंड 100. कह रहे हैं इन एन एटॉमिक मासेस का उस वक्त तक जो है वो डिस्कवरी पॉसिबल ही नहीं थी. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो स्पेसेस को स्किप कर दिया. ठीक, ओके. सेल एंड फीचर्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी.
It has 8 vertical columns called groups and 12 horizontal rows called periods. Elements in each vertical column have similar property. कह रहे हैं अगर हम वर्टिकली इसको ऑब्जर्व करें ना इस तरह से, तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी बेसिकली, सही है। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम की, सही। अब लिथियम की प्रॉपर्टी रिपीट होने का मकसद ऐसा नहीं था कि ये इसको हाइड्रोजन के बाद करते थे, उन्होंने इसको इसके नीचे कर दिया, सही। फिर न्यू एलिमेंट्स आए, फिर सोडियम पे रिपीट हो गई, तो सोडियम को उन्होंने लिथियम के उस पर फेस कर दिया, ठीक है। फिर कुछ न्यू एलिमेंट्स आए, फिर जो है वो इस तरह से कॉपर आया, रुबिडियम, इस तरह से बढ़ते चले गए एलिमेंट्स। वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन। ही प्रपोज देयर नेम्स एज इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। कह रहे हैं जो हमारे ब्लैंक स्पेसेस हैं वो उन एलिमेंट्स के लिए थे जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक, और उन्होंने उसके जो है वो नेम्स सजेस्ट किए थे, जैसे जो भी एलिमेंट प्रिडिक्टेड था उसके स्टार्टिंग में उन्होंने इस तरह से उसको सजेस्ट कर दिया था, इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम इस तरह से। ओके, द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाईएस्ट बैलेंस दैट कैन बी अटेन्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ग्रुप्स को किस बेस पे अरेंज किया था। ग्रुप को इन्होंने वैलेंसी के बेस पे अरेंज किया था कि हर एलिमेंट के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी बेसिस पर उन्होंने ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को अरेंज किया था, सही। कॉलम वाइज कैसे किया था विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और ग्रुप वाइज कैसे किया था विद रिस्पेक्ट टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एडवांटेजेस पे जाते हैं, इट हेल्प इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ सोडियम हेल्प्स मीन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर अल्कलाई मेटल्स एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इट फोर्सफुली प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडिसिटी। कह रहे हैं इस पीरियडिक टेबल ने सिस्टमैटिक स्टडी को काफ़ी हद तक पॉसिबल किया, जैसे कि अगर हम सोडियम की स्टडी कर रहे हैं तो सोडियम की स्टडी करने से हमें ये बात काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ रही है कि उसी की प्रॉपर्टीज़, उसी का बिहेवियर अदर मेटल्स में भी यूज़ हो रहा है, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे अरेंज हुए हुए थे, तो इससे क्या हुआ कि हमारी स्टडी काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक हो गई, और यहाँ पे पीरियडिसिटी भी आ गई डेफिनेटली। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वर मेड पॉसिबल। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन वर प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। दिस हेल्प इन देयर डिस्कवरी। दिस हैव बीन नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। The properties are remarkably the same as were predicted by Mendeley। और कह रहे हैं कि जो जहाँ पर उन्होंने स्पेसेस छोड़े थे, तो वहाँ पर स्पेस छोड़ने का मतलब क्या था कि न्यू एलिमेंट्स प्रिडिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने मेंडलीव ने जो अपनी प्रिडिक्शन के बेसिस पे उन एलिमेंट्स का बताया था कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ऐसे ऐसे होंगी, ठीक है, और फिर जो इनके जो इन्होंने अभी इनिशियल नेम्स इन्होंने दिए थे, फिर उन नेम को जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उससे रिप्लेस किया गया। इका बोरॉन को स्कैंडियम से, इका एल्युमिनियम को गैलियम से, और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम से। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही काफ़ी हद तक सिमिलर थी जैसे मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था। बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ स्कैंडियम से सिमिलर थी, एल्युमिनियम की गैलियम से थी, और सिलिकॉन की जर्मेनियम से थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। मेंडलीव पीरियडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। इन्होंने एटॉमिक मासेस को बहुत जो है वो लार्ज एक्सटेंट पे फॉलो किया था, मतलब जैसे जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे उनकी अरेंजमेंट जो थी एलिमेंट्स की वो कम कम एलिमेंट्स की बेसिस पे थी ना, सही है, पर यहाँ पे जो है वो इन्होंने लार्ज एक्सटेंट पे काम किया था। और करेक्शन भी इसलिए पॉसिबल हुई कि जो स्पेसेस इन्होंने ड्रॉप किए थे बीच में, उसकी वजह से जो है वो एटॉमिक मासेस अरेंज हो गए, सही है, और जो स्किप किए थे तो उसमें जो न्यू एलिमेंट्स आते चले गए तो वो एटॉमिक मासेस उनके अकॉर्डिंगली वैलिड होते चले गए। डिफेक्ट्स देख लेते हैं। देर आर थ्री पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस प्लेस बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मास। कह लें तीन जगह पर ऐसा हुआ कि इनसे ये मिस्टेक हो गई कि इन्होंने हायर एलिमेंट्स को पहले प्लेस कर दिया और लोअर एलिमेंट्स को बाद में प्लेस कर दिया जिनके एटॉमिक मासेस लो थे,
जैसे एरगन है, एरगन का एटॉमिक मास क्या है 40, उसको उन्होंने पोटेशियम से पहले प्लेस किया जबकि पोटेशियम का कितना था 39 था, सही। इसी तरह से कोबाल्ट है, उसको उन्होंने पहले प्लेस किया निकल से, सही। हालांकि कोबाल्ट का ज़्यादा था तो उसूलन इसको बाद में आना चाहिए था, निकल को पहले आना चाहिए था। टेलोरियम प्लेस बिफोर आयोडीन, और टेलोरियम को भी आयोडीन से पहले प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे तो फिर आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट ही फॉल्स हो गया ना, तो ये तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट हो गया। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कोई अपने टेबल में कोई क्लासिफिकेशन नहीं करी, कोई ब्लैंकेट स्पेसेस नहीं दिए। अच्छा, डिससिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, दैट इज अल्कलाई मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम ट्रेंशियम वर प्लेस्ड विद क्वाइनेज मेटल्स गोल्ड कॉपर सॉरी सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वो भी थे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम नहीं थी, पर उनको उन्होंने सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी इशू आ गया। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स फॉर एग्जांपल बेरियम एंड लेड रिजेंबल इन मैनी प्रॉपर्टीज बट दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप्स। और कह रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थे वो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे नज़र आए, तो ये भी एक ड्रॉबैक हुआ। इट फेल्ड टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखें इस पीरियोडिक टेबल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ, सही। क्यों? क्योंकि सब अभी एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज़ के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा अभी। तो जब साइज़ का पता ही नहीं चलेगा तो एक क्लियर स्ट्रक्चर हमारे सामने ही नहीं आएगा, सही है। अब ये जो फ्लॉज थे ये किस तरह से आइडेंटिफाई हुए थे, ये मॉडर्न पीरियोडिक से हुए थे। ओके, नाउ ये आपका कॉपी वर्क है, रजिस्टर वर्क है, इसमें स्टेटमेंट के बाद आपको ये जो इसके सेलेंट फीचर्स हैं ये एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, सही है, पेज 61 से। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे ये देखिए मैंने दो अलग अलग क्वेश्चंस में ब्रेक किया, मतलब इसमें स्टेटमेंट और फीचर्स आ गए, उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ गए। लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो ज़्यादा मार्क्स का आता है, या आपके समझ लें कि लॉन्ग में आता है, सेक्शन सी में आता है कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द मेंडेलीव क्लासिफिकेशन, तो उस केस में आपको पूरा डिसएडवांटेजेस तक एक साथ ही एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। ये अभी मैंने इसको शॉर्ट के लिहाज से अरेंज किया है क्योंकि नॉर्मली जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, पर इन केस में भी एक बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसकी इसके चांसेस ये भी हैं कि ये एज अ लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। लॉन्ग आएगा तो आप इसको पूरा लिखोगे टिल डिसएडवांटेजेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसका हमें इंतज़ार था। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज लेफ्ट मैनी एनोमलीज इन द पोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं कि भाई जितनी भी अरेंजमेंट हुई एलिमेंट्स की वो सब एटॉमिक मैसेज की बेसिस पर हुई थी, और उसमें काफ़ी सवालात ऐसे रह गए, सही है, कि जिसमें जो है वो हमें पोजिशन सही से आइडेंटिफाई हम कर ही नहीं पाए। मोर ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कह रहे हैं कि आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस ने हमें ये बात साबित करी कि एटॉमिक मास इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, ये एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो आखिर एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ द रिजल्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोज़ले इन 1914। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर का के कॉन्सेप्ट से मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया वो बेसिकली अप टू डेट था और वो काफ़ी हद तक करेक्ट था। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर बोहर वर्नर एंड ब्यूरी प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये देख रहे हैं आप कि ये जो लॉ है ये मेंडेलीव वाली है, बस वहाँ पर उन्होंने एटॉमिक वेट्स यूज़ किया था, यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक नंबर्स को यूज़ किया।
ठीक है। तो एटॉमिक नंबर्स की डिस्कवरी के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत अच्छे से वेरीफाई हुई, ठीक है। और जब आइसोटोप्स एग्जिस्ट करने लगे तो आइसोटोप में देखें एटॉमिक नंबर की बेसिस पे डिफरेंट आता है ना, एटॉमिक मास उसका रहता है सेम, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी फेल होती चली गई, तो अब एटॉमिक नंबर पे फोकस किया गया। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो नोन एज बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। The elements having similar properties are repeated at regular intervals as atomic number is related to the number of protons in an atom. So the real basis of periodicity of properties is due to the recurrence of similar valency shell configuration of the next element in the same group. The modern periodic table is shown in table 4.4. ये आपका actual periodic table जिसको हम अभी तक follow करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना जब ये डेवलप हुआ था तब इसमें भी कुछ ब्लैंक स्पेसेस थे, सही है। मतलब जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उस वक्त इसमें ब्लैंक स्पेसेस मौजूद थे, बट मीनवाइल जब वो डिस्कवर होते चले गए तो इनको उनकी प्लेसमेंट पे फिक्स किया जाने लगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ये देखिएगा ये वाले एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी हमें अननोन है, इनको देखिए हमने किस तरह से डिनोट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी कुछ ब्लैंक स्पेसेस मौजूद हैं, सही। अब इनको हम देखते हैं कि ये क्या किस तरह से अरेंजमेंट है इनकी, इनकी अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स एंड 16 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। 7 रॉस बन रही है हमारे पास, ये 7 रॉस हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और इसी तरह से कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 16 कॉलम्स बन रहे हैं। अच्छा, ये जो हाँ ये जो हमारे पास एक अलग से जो ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली इन्हीं रॉस से लिंक है। ये देखें एरोस, ये पूरी जो एक लैंथेनाइट की सीरीज है इन्होंने एलिस यहाँ पे प्रेजेंट किया और पूरी सीरीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो दे कैन बी प्लेस्ड साइमल्टेनियसली हेयर, ठीक है। ये एलिमेंट्स वो थे जो कि विद द टाइम डिस्कवर हुए, सही। तो जब इनकी प्लेसमेंट नहीं हो सकी तो फिर इनको एज अ सेपरेट सीरीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, कि फर्दर डिस्क्रिप्शन मैं दूंगी आपको जब हम ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये लैंथेनाइट सीरीज बनी और ये जो नीचे वाली सीरीज है ये लास्ट वाले जो आपका पीरियड है उससे लिंक है, ये सेकंड लास्ट पीरियड से लिंक है, ये लास्ट पीरियड से लिंक है। अच्छा, पीरियड्स की बात करते हैं। द एलिमेंट्स विद इन अ पीरियड हैव डिसिमिलर प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस एनी पीरियड। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक अलॉन्ग अ पीरियड। अच्छा, कह रहे हैं कि जो पीरियड्स में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं उसमें लेफ्ट टू राइट जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर नहीं। इसको ओपन करते हैं दोबारा, ये देखिएगा लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, इस तरह से कह रहे हैं। अब इस तरह से प्रॉपर्टीज के सिमिलर हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज वाइज अरेंज हुआ है ना वो ग्रुप में हुआ है, ठीक है। तो ये डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चेंज हो रही हैं विद मेटालिक बिहेवियर टू नॉन मेटालिक बिहेवियर। जो स्टार्टिंग में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना उनका मेटालिक बिहेवियर ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं उसमें जो है वो मेटालिक बिहेवियर कम होता चला जाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट में प्रॉपर्टीज हमारे पास सिमिलर नहीं मिलेंगी। ओके, ऑल पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद एन अल्कलाइन मेटल विद 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड एंड अप विद 0 ग्रुप एलिमेंट विद वैलेंस शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम, HE फॉर हीलियम विच हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे हैं तमाम पीरियड्स जो है वो अल्कलाइन मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं जिनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर पहला पीरियड ऐसा है जो कि अल्कलाइन मेटल से स्टार्ट नहीं हो रहा। देखते हैं फर्स्ट पीरियड क्या है। अच्छा, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ नॉट एन अल्कलाइन मेटल, ठीक है। अल्कलाइन मेटल कौन से, यहाँ से स्टार्ट है लिथियम से, ठीक। तो कह रहे हैं बाकी सारे पीरियड्स तो उसी अल्कलाइन मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, पर पहला है वो उससे स्टार्ट नहीं हो रहा, सही।
अच्छा, अब क्या है कि स्टार्ट हो रहे हैं विद वन वैलेंस शेल, क्योंकि ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं इनके हर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। पर एंड अप हो रहे हैं कहाँ पर, ऐसे एलिमेंट्स पर जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, जिनका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ये देखिएगा, एंड अप विद जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को, जो लास्ट वाला ग्रुप होता है ना उसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट इसीलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल्ड होते हैं पहले से, ठीक है। विद वैलेंस शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं भाई अब हीलियम का केस इसलिए अलग है कि हीलियम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं, सही है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हुए, पर जो 2 हैं वो उसके कंप्लीट हैं बेसिकली, मतलब वो 2 के साथ जो है वो पेयर हुआ है तो वो स्टेबल है, सही। ओके, नाउ द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस पीरियड सिग्निफाइज द कम्प्लीशन ऑफ के शेल और फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड विद 2 एलिमेंट्स। कह रहे हैं सबसे शॉर्टेस्ट में 2, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आपका जो सबसे फर्स्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं के शेल, वो सिर्फ इस पीरियड में कवर हो रहा है, मतलब इन 2 एलिमेंट्स में के शेल तक के एलिमेंट्स की बात हो रही है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, ये दोनों पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। ईच ऑफ दीज पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स, दिस सिग्निफाई द फिलिंग अप ऑफ एल एंड एम शेल रिस्पेक्टिवली। अब कह रहे हैं कि के से आगे जो एल और एम शेल्स होते हैं वो हमारे इन एलिमेंट्स में प्रेजेंट हैं जो कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में मौजूद है। सेकेंड पीरियड स्टार्ट विद लिथियम एंड एंड्स अप विद नियॉन, वेयर एज द थर्ड पीरियड स्टार्ट विद सोडियम एंड एंड्स एट आर्गन। तो यहाँ से टैली भी करते जाते हैं, सॉरी मुझे बार बार पेज स्किप करना पड़ रहा है, तो आपके पास तो सामने होगा तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिएगा, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है नियॉन पे एंड हो रहा है, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है आर्गन पे एंड हो रहा है। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, ईच ऑफ दीज पीरियड्स कंटेन 18 एलिमेंट्स, ये अब जिन में 18 एलिमेंट्स हैं तो वो अब लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। इन दीज पीरियड्स द इलेक्ट्रॉन्स फिल एम एंड एम शेल, एम एंड एन शेल्स। अब देखिए शेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं, पीरियड वाइज शेल्स में इंक्रीमेंट आ रहा है। फोर्थ पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम पोटेशियम एंड एंड्स एट क्रिप्टन, फिफ्थ पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम रुबिडियम एंड एंड्स एट ज़ीनॉन। सही, द सिक्स्थ पीरियड इट इज़ कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड, कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, स्टार्ट्स फ्रॉम सीजियम एंड एंड्स विथ आर एन होता है, रेडॉन होता है। बिसाइड्स 14 एलिमेंट्स कॉल्ड लेंथेनाइड्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं इसके जो 14 एलिमेंट्स हैं ना 32 में से, वो कहाँ पे है, सबसे बॉटम पे मौजूद है, मतलब वो इसी पीरियड में काउंट होंगे, सही, जहाँ पे जो वो एरो बना के उन्होंने लेंथेनाइड सीरीज को मैंशन किया हुआ था, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, इसके एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। सेवन्थ पीरियड इज़ नोन एज इनकम्प्लीट पीरियड, ओके, इट स्टार्ट्स विद फ्रेंशियम, दिस पीरियड इज़ इनकम्प्लीट एज टू डेट, अबाउट 109 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। दिस पीरियड ऑल्सो इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिनिया, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, दे आर ऑल्सो प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। अच्छा, ये कह रहे हैं इसको इनकम्प्लीट पीरियड इसलिए कह रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी डिस्कवर होने बाकी हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना उसमें लिखा हुआ था यू 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 करके इस तरह से, तो वो जो एक तरह से हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस हैं वो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, ये वाले इस तरह से, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। ओके, अच्छा ग्रुप्स ग्रुप्स जो है वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी डिस्कस, आज का लेक्चर फ़िलहाल इतना ही है। अच्छा, ये आपकी रजिस्टर वर्क है, डिस्क्राइब द पीरियड्स एंड, अच्छा इसमें जो आप पीरियड्स लिखोगे जो अभी हमने पढ़े हैं पेज 65 से कॉपी होंगे, ठीक है। अच्छा, वो किस तरह से कॉपी होंगे उनको आपने पॉइंट वाइज नोट करना है, जैसे अगर ये फर्स्ट पीरियड है उसका पहला पॉइंट यहाँ तक है सेंटेंस, फिर सेकंड पॉइंट दिस पीरियड सिग्निफाइज फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ तक, फिर ये थर्ड पॉइंट, पॉइंट में लिखिएगा काइंडली, सही है, इसको पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत नहीं, पर लिखा ही ऐसे ही जाएगा कि अगर सेकंड थर्ड पीरियड साथ लिखा हुआ ना तो आप भी साथ ही लिख दीजिएगा, सही है, बट प्लीज़ पॉइंट्स में लिखिएगा, ये करना है आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक एज इट इज़ आएगा, वेट, यहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी पीरियड्स की,
और ये फिर इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम वो ये कि स्टूडेंट्स आप लोगों के असिस्टेंस जो है वो एक्सपेक्टेड हैं मे बी आफ्टर 1 वीक और 2 वीक, आई डोंट नो द राइट डेट और राइट वीक, बट आई एम इंफॉर्मिंग यू, सो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। प्रिपरेशन आपने इस तरह से करनी है लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की, कि लाइक अभी अगर आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं भी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट लेक्चर को अच्छी तरह से सुनो, सही है, जो भी आपका असेसमेंट होगा इस असेसमेंट के मार्क्स इंक्लूड होंगे, जिस तरह से आपके प्रीवियस होते थे मंथली टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होते थे टर्म में, ठीक है, तो इस दफ़ा जो है वो डेफिनेटली हम मंथली टेस्ट पर तो अभी पहुँच ही नहीं सकते, तो अभी हम असेसमेंट्स कंडक्ट करवाएंगे जो कि इन लेक्चर्स से ही रेलिवेंट होंगे, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लेसन ऑफ वीक 1 में आपका चैप्टर 1 था, सही है, अब चैप्टर 1 आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, मे बी वो उसमें से जो असेसमेंट बने वो ऑब्जेक्टिव बेस हो या फिर वो कॉन्ट्रीब्यूशन के जो पॉइंट्स हैं ना उन पे बेस कर सकता है, सही। बाकी है कि लेक्चर की एक एक बार अच्छे से सुनिएगा, मैं नॉर्मली उसी में से दूंगी चीज़ें, ठीक है। और वीक 2 के लेक्चर में आपका हाइड्रोजन एंड वाटर का काफ़ी पार्ट कवर हो रहा है, सही है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और उनकी जो रिएक्शन की नेम्स है ना कि भाई हाइड्रोजन ने मेटल्स के साथ रिएक्ट किया, तो ये जो इनकी जो हेडिंग्स थी वो हेडिंग्स को अच्छे से देखिएगा, और इक्वेशंस मैं आपको बता दूंगी कि आपने अभी कौन सी करनी है असेसमेंट के लिए, राइट। तो अभी आप ये है कि बाकी सब चीज़ें करें प्रिपेयर, इक्वेशंस अभी आप ऐसा करो फ़िलहाल वो वाली कर लो प्रिपेयर जो जो लास्ट में हमने क्वेश्चंस किए थे ना, जो आपने बुक से जिनकी इक्वेशंस ढूंढी थी, तो वो वाली जो 2 एक्सरसाइजेज हैं अभी फ़िलहाल आप उन इक्वेशंस को प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सही है। तो ये मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके पास नोटिस आने वाला होगा कि असेसमेंट का क्या प्रोसेस है आपका, सही है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, ये काइंडली ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीक के टॉपिक क्या है हमारा, हमें इसी चैप्टर को एंड करना है, सही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, टुमारो वी हैव लाइव सेशन एज वेल, सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो वी विल डिस्कस इन द सेशन, राइट, और प्रॉपर वर्किंग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।